नमस्कार, चर्चा द ट्रुथ देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और आज चर्चा करेंगे द सिटी ब्यूटीफुल पर। जी हां, चंडीगढ़ पर बात करेंगे। वो चंडीगढ़ जो खूबसूरत बहुत है, जिसको एक प्लान तरीके से बनाया गया। जब आप इसकी गलियों में जाएंगे, इसकी सड़कों पर जाएंगे, तो इसकी खूबसूरती का एक अलग ही अंदाज़ा होगा। और अब तो इसे स्मार्ट सिटी भी कहा जाने लगा है। सारी चौराहों पर CCTV कैमरेज लग गए हैं। जितना ज़्यादा हो सके इसे एडवांस बनाने की कोशिश हो रही है, स्मार्ट बनाने की कोशिश हो रही है। चालान कटते हैं, आस पड़ोस के राज्य जो हैं वो चंडीगढ़ में एंटर होते ही तमाम ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो फॉलो करने लग जाते हैं। खूबसूरत है, स्मार्ट है, लेकिन विवादों से घिरी हुई है ये चंडीगढ़। इन विवादों को लेकर ही बातचीत करेंगे, क्योंकि हाल ही में अमित शाह, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, वो चंडीगढ़ को लेकर एक ऐलान करते हैं। ऐलान ये करते हैं कि जितने भी सरकारी एम्प्लॉयज हैं उन पर जो हैं वो अब सेंट्रल के रूल जो हैं वो अप्लाई होंगे। और इसको लेकर विवाद हो जाता है। एक तरफ जहां अमित शाह कहते हैं कि उन्हें बहुत फ़ायदा होगा, उनकी जो रिटायरमेंट की उम्र है वो बढ़ जाएगी, जहां 58 में रिटायर होते थे वहां 60 में होंगे, एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो नौकरी कर रहे हैं उसमें, उनकी रिटायरमेंट की उम्र 65 साल हो जाएगी। तमाम चीज़ों को लेकर सुविधाएँ उन्होंने गिनवा दी, लेकिन विवाद ने पीछा नहीं छोड़ा। नए बने पंजाब के CM भगवंत मान ने जो है वो विवाद खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये हमारा हक जो है वो छीनने की बात हो रही है, पंजाब पर हमारा जो पंजाब का जो हक चंडीगढ़ पर है वो छीनने की बात हो रही है। कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। एक बार फिर से पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की बात क्यों होने लगी है, उसके खिलाफ इसे क्यों कहा जा रहा है। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं एडवोकेट राजेंद्र गोयल जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। कैसे हैं सर? धन्यवाद, बहुत बढ़िया जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपनी बात रखने के लिए, यहाँ आमंत्रित करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, आप कलकत्ता में बैठे हैं और अपनी तमाम व्यस्तता के बीच में आपने हमें वक्त दिया है, उसके लिए शुक्रिया। और हमें तो वो लग रहा था आप वक्त भी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, लेकिन शुक्रिया आप वक्त दे पाए। सर, चंडीगढ़ खूबसूरत तो बहुत है, चर्चाएं बहुत होती हैं इसकी खूबसूरती की, लेकिन विवाद की भी बहुत चर्चा होती है। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि चंडीगढ़ जो है वो विवादों में घिर जाता है। अब जो विवाद छिड़ गया है उसको लेकर जो है वो चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा, अपने दर्शकों के लिए एक सवाल आपसे करना चाहूंगा सर, कि इस मुद्दे पर जो भी अभी आप कहेंगे उस पर आम जनता विश्वास करे तो क्यों करे सर? ऐसा है कि पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हूं। मैं एक एडवोकेट हूं और जो भी बात रखूंगा वो इम्पार्शियल तरीके से रखूंगा, और बीइंग ए लीगल एडवोकेट उसी को ध्यान में रखते हुए रखूंगा। और जो फोर कॉर्नर्स हैं लॉ के और जो सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए और उन्हीं उन्हीं के बेस पे मैं अपनी बात रखूंगा। मैं किसी बायस्ड तरीके से बात नहीं रखूंगा। थैंक यू सर। और मैं पिछले 30 साल से प्रोफेशन में हूँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी मैं केसेस करता हूँ, तो मैं उसी एंगल से ही बात रखूंगा, इसमें कोई बायसनेस नहीं होगी। क्या बात है, शुक्रिया सर। सबसे पहला सर यही सवाल दिमाग में आता है कि आखिर इस मसले पर विवाद क्यों है। अमित शाह आते हैं, वो ऐलान कर जाते हैं कि सेंटर का जो है वो रूल एप्लीकेबल होगा, तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें सहूलतें मिलेंगी, लेकिन जब एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा हो रहा है तो बाकियों को इसमें दिक्कत क्या हो रही है। आम लोगों के दिमाग में भी यही सवाल आता है कि भाई जब एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा है तो आपको क्या परेशानी है इसमें? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि सिटीजन्स को फ़ायदा है, इसमें सबसे पहली बात यह है कि इसमें सिटीजन्स को ही फायदा है, जो इम्प्लॉयज हैं उनको फायदा है। इसमें कोई पॉलिटिक्स भी मैं कहूंगा कि कोई पॉलिटिक्स नहीं है। सबसे पहले अगर इस बात को किया जाए तो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 में बना था, जो 18/9/1966 को बना था, और उसमें एक अपॉइंटेड डे रखा था जो 1 नवंबर 1966 थी। उसके हिसाब से जो पंजाब स्टेट थी उसमें हरियाणा बन गया, एक हरियाणा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुई, और साथ में यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ बना, जो तारीख थी अपॉइंटेड डे जिसको हम कहते हैं वो 1/11/1966 था। उसमें सारे राइट्स लाइबिलिटीज एक दूसरे की स्टेट के, इवन भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का जो गठन हुआ था
और उसके बारे में भी जो बात थी उसके भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। और जो इम्प्लॉयज थे, इसके बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि शुरू में क्या था कि चंडीगढ़ में जो इम्प्लॉयज थे उनके ऊपर पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल होते थे। सारा मुद्दा जो है, ये जो झगड़ा है, जो डिस्प्यूट अब रेज किया जा रहा है जी, ये सारा एप्लीकेबिलिटी ऑफ पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स या सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स जो इम्प्लॉयज हैं, जो यूटी के इम्प्लॉयज हैं, जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के इम्प्लॉयज हैं, उनके ऊपर कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, इसी बात का झगड़ा है। अदरवाइज इसमें ना तो पंजाब के किसी राइट्स का झगड़ा है, ना यूटी के किसी राइट्स का झगड़ा है। तो ये बात है। तो एक अधिकारों की बात होती है कि इतना हिस्सा चंडीगढ़ पर, ये एक तरीके से कहा जाता है कि राजधानी पंजाब और हरियाणा की है चंडीगढ़। अब हिस्से की बात आ जाती है कि इतना हिस्सा पंजाब का है, इतना हरियाणा का है, फिर बीच में ये भी बातें सुनने को मिलती हैं कि हिमाचल प्रदेश का भी हिस्सा है। तमाम चीज़ें हो रही हैं, हिस्सों को लेकर खींचातान हो रही है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हिस्से की मारामारी नहीं है लेकिन रूल्स एप्लीकेबल की मारामारी है। बिल्कुल। तो इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक्चुअल में क्या था कि सबसे पहले अगर हम इसको देखें, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 जो बना, उसमें क्या था, सेक्शन बड़े क्लियर थे। एक सेक्शन था सेक्शन 89 जिसमें यह कहा गया कि अडॉप्शन ऑफ लॉ वो कैसे रहेंगे, उसमें यह बात रख दी कि 1/11/1966 के 2 साल के अंदर अंदर कोई भी स्टेट जो है, हरियाणा स्टेट, यूटी चंडीगढ़ जो है, वो अपने लॉज अडॉप्ट या मॉडिफाई कर सकती है। और इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो थी वो यूनियन लिस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बन गई, और जो स्टेट लिस्ट है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट बन गई। तो इसमें क्या हुआ कि जो इम्प्लॉयज थे, जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के इम्प्लॉयज बन गए, उनके बारे में ये था कि उनके ऊपर पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे। और साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटर, जो पंजाब में गवर्नर और चंडीगढ़ में जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, उनको ये पावर दे दी गई कि जो पे स्केल्स हैं, तो वो अगर पंजाब सिविल सर्विसेज में, पंजाब में कोई पे स्केल इंक्रीज होते हैं तो वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के एम्प्लॉयज को भी एट पार उन पे स्केल्स को लेकर आएंगे, ताकि दोनों में पैरिटी रहे, पे स्केल्स में झगड़ा ना रहे। जब रूल्स एक एप्लीकेबल हैं तो पे स्केल भी एक होने चाहिए। और इसके बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि एक बहुत पहले एक झगड़ा चला, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज की रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट दी, ये बात है 1996 की। ये मुद्दा जो है अप टू सुप्रीम कोर्ट गया। उसमें क्या रहा कि पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स जो थे उनमें एज जो थी इनिशियली वो थी अप टू 30 ईयर्स रिक्रूटमेंट के लिए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के लिए। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने भी वही रख दी कि 30 ईयर्स। बट हुआ क्या कि एक कैंडिडेट जो था उसकी उम्र थी 33 साल। उसने क्या किया, उसने अप्लाई किया और ये कहा कि एक्चुअल में जो पुराने रूल्स थे पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स, उनमें जो था एज लिमिट थी 30 ईयर्स। बट पंजाब ने क्या किया, 1994 में अमेंड कर दिए थे वो रूल्स और उसमें एज लिमिट कर दी थी 33 साल। अब क्वेश्चन ये था कि क्या ऑटोमेटिकली जो पंजाब सिविल सर्विसेज के रूल्स हैं वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पे इप्सो फैक्टो एप्लीकेबल हो जाएंगे या उनको स्पेशल किसी नोटिफिकेशन से अडॉप्ट किया जाएगा। अब मुद्दा ये आ गया कि 33 साल या 30 साल। ये मैटर गया पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने कहा कि जो पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स हैं अगर वो कल को मॉडिफाई हो जाते हैं या उनमें कोई अमेंडमेंट्स भी आ जाती हैं, तब भी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन चाहे उनको अडॉप्ट स्पेशल नोटिफिकेशन करे या ना करे, फिर भी वो रूल्स जो हैं इप्सो फैक्टो एप्लीकेबल हो जाएंगे चंडीगढ़ के ऊपर भी। तो उस जजमेंट को चैलेंज किया यूटी चंडीगढ़ ने सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि नहीं, हालांकि चंडीगढ़ में एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था अंडर आर्टिकल 309 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि 13 जनवरी 1992 में ये नोटिफिकेशन इशू हुआ था। कंक्लूजन क्या निकला सर? उसमें क्या हुआ था कि
कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स बना दिए गए थे 1992, जिसको कहते हैं हम यूटी ऑफ चंडीगढ़ इंप्लॉइज कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1992। बट क्या हुआ कि जो पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स जो अमेंड हुए, जिसमें एज 33 साल कर दी गई, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जब नोटिफिकेशन इशू किया एडीए की अपॉइंटमेंट के लिए, उसमें फिर भी एज 30 साल रख दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कैट की जजमेंट को अपहोल्ड किया और ये कहा कि अडॉप्शन की जरूरत नहीं है, जब रूल्स बड़े क्लियर थे तो उसमें वो इप्सो फैक्टो एप्लीकेबल रहेंगे रूल्स, और कैट की जजमेंट को अपहोल्ड किया। तो बेसिक बात यह है कि पहले पंजाब सिविल सर्विसेज के रूल्स एप्लीकेबल होते रहे चंडीगढ़ में। अब जो नया नोटिफिकेशन जो अमित शाह जी आए, उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के एम्प्लॉइज के ऊपर नए रूल्स सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, और उसके बारे में नोटिफिकेशन भी हो गया। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या सेंटर को पावर है अपने इम्प्लॉइज के बारे में कोई नोटिफिकेशन इशू करने की? सर, इसी सवाल पर हम वापसी करेंगे, इसी सवाल पर वापसी करेंगे कि क्या सेंटर को अधिकार है इस तरीके के नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर, और आप इसे इसके बारे में जो है वो जवाब भी चाहेंगे। लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा द ट्रुथ में बात हो रही है द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ को लेकर, उसके विवादों को लेकर बातचीत हो रही है कि आखिर किस तरीके से लगातार चंडीगढ़ जो है वो विवादों में फंसता रहा है, और अब जो है वो अमित शाह के ऐलान के बाद जो है वो विवाद फिर से खड़ा हो गया है। पंजाब लगातार उसको लेकर आवाज़ें उठा रहा है, तमाम चीज़ें कही जा रही हैं कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 का उल्लंघन है ये सीधे तौर पर। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल ये छूटा था कि क्या सेंटर को अधिकार है इस तरीके के नोटिफिकेशन का। राजेंद्र गोयल हमारे साथ हैं और इन तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। राजेंद्र सर, क्या आप जो सवाल आपने कहा था कि ये खड़ा होता है कि क्या सेंटर को ऐसे नोटिफिकेशन का अधिकार है, क्या जवाब है इसका? इसके बारे में सबसे पहले एक आर्टिकल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम है, तो उसमें आर्टिकल 309 है, आर्टिकल 309 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हालांकि ये टॉपिक ऐसा है, पर जब तक हम आर्टिकल 309 को नहीं समझेंगे तब तक इस सवाल का जवाब भी नहीं मिलेगा। मैं उसकी कुछ लाइंस पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं जो बहुत जरूरी हैं, जिससे इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आर्टिकल 309 जो है वो डील करता है रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्संस सर्विंग द यूनियन और ए स्टेट। इसमें दोनों आ गया, यूनियन के इंप्लॉइज के लिए भी आ गया और स्टेट के इंप्लॉइज के लिए भी आ गया। और इसमें आगे ये कहा गया है कि एक्ट्स ऑफ अपॉइंटमेंट लेजिस्लेचर मे रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्संस अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विस। तो इसमें स्टेट भी और यूनियन भी दे के वो रेगुलेट कर सकते हैं सर्विस कंडीशंस के बारे में। इसमें एक प्रोविजो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो इस टॉपिक को बड़ा अच्छे तरीके से डील करेगा। वो कहता है प्रोवाइडेड दैट इट शैल बी कॉम्पिटेंट फॉर द प्रेसिडेंट और सच पर्सन एज ही मे डायरेक्ट इन केस ऑफ सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और फॉर स्टेट। वो सर्विस कंडीशंस के बारे में रूल्स बना सकते हैं दोनों। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या हुआ 1/11/1966 को पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर स्टेट ऑफ पंजाब अलग बन गई, हरियाणा अलग बन गई और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ अलग बन गई। तो सबसे पहला एक नोटिफिकेशन इश्यू हुआ 1/11/1966 को। वो नोटिफिकेशन क्या था? वो आर्टिकल 309 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत इश्यू हुआ, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी चंडीगढ़ को ऑथराइज किया गया कि वो रूल्स बनाए रिक्रूटमेंट ऑफ टू सेंट्रल सिविल सर्विसेज, जो चंडीगढ़ के इंप्लॉइज हैं उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटर को ऑथराइज कर दिया गया कि वो रूल्स बना सकता है। तो सबसे पहला जो रूल आया उसके बाद 13/1992 में एक नोटिफिकेशन इशू हुआ, जिस जो वैलिड था 1/4/1992 से, उसमें वो आर्टिकल 309 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ही इशू हुआ। उसमें क्या हुआ कि यूटी ऑफ चंडीगढ़ एम्प्लॉइज कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1992
बना दिए गए। और उसमें सबसे जो अच्छी लाइन थी, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से ये सारा मुद्दा सॉल्व होता है। उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्संस अपॉइंटेड टू सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए बी सी और डी सब में, उसमें क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी शेल सब्जेक्ट टू अदर रूल्स बी सेम एज कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्संस अपॉइंटेड टू कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्ट इन पंजाब सिविल सर्विसेज। और पंजाब सिविल सर्विसेज के रूल्स से गवर्न होंगी उनकी कंडीशंस। और साथ में ये कह दिया गया कि अगर कोई पे स्केल में पैरिटी नहीं है, पंजाब ने पे स्केल अगर बढ़ा दिए और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के एम्प्लॉइज के पे स्केल्स कम हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर को पावर दे दी गई कि वो एट पार कर देगा उनको पे स्केल्स को। तो इसलिए 13 जनवरी 1992 को पहला नोटिफिकेशन इश्यू हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी पावर्स यूज की और ये नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया कि पंजाब सिविल सर्विसेज के रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। ओके। अब इसी नोटिफिकेशन और इसी ऑथराइजेशन के तहत जो अब नया नोटिफिकेशन आया है अंडर आर्टिकल 309, उसमें सिर्फ डिफरेंस क्या कर दिया गया कि जहां पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स एप्लीकेबल थे वहां कर दिया गया सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स। ओके। और कोई डिफरेंस नहीं है। और साथ में ये कह दिया गया कि अगर कल को लेजिस्लेचर कोई और रूल्स बनाएगा तो वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो मीनिंग देयर बाय आर्टिकल 309 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो सारी बातों को गवर्न करता है और उसके तहत एडमिनिस्ट्रेटर को पावर है कि वो कोई रूल्स बना दे। और जब तक लेजिस्लेचर पार्लियामेंट कोई और नए रूल्स नहीं बना देती, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर ने रूल बनाया है और ये जो नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है आर्टिकल 309 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इसके तहत ये सब कुछ ठीक है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। यानी कि सेंटर जो कह रहा है कि सेंटर के रूल चंडीगढ़ के एम्प्लॉयज पर एप्लीकेबल होंगे, तो वो पूरी तरीके से सही है, उसमें कोई खामी नहीं है। खामी नहीं है और ये आर्टिकल 309 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है। दूसरी तरफ सर, चर्चा इस बात की भी है टाइमिंग को लेकर कि जिस टाइमिंग पर जब इलेक्शन खत्म हुए, बीजेपी की पंजाब में हार हुई, ये भी कहा जा रहा है कि टाइमिंग जो है वो बड़ी सोच समझ कर जो है वो चुनी गई है। क्या आपको लगता है कि इसमें टाइमिंग का कुछ इशू है, या बस ठीक है मन था तो कर दिया, या बहुत लंबी प्लानिंग चल रही थी कि इसको करना है और अब जाके इस चीज को एप्लीकेबल कर दिया गया? ऐसी चीजें जो हैं वो ये तो नहीं है कि इंस्टेंटली हो जाती हैं। इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है कि यूटी के एम्प्लॉइज की क्या रिप्रेजेंटेशंस गई हुई थी और इसके बारे में ऑलरेडी क्या प्लानिंग्स चल रही थी। बट क्वेश्चन ये है कि नोटिफिकेशन जो है इररिस्पेक्टिव कि उसकी टाइमिंग क्या है क्या नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये बेनिफिशियल है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को, क्योंकि बाकी जगह जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, यूटी के एम्प्लॉइज हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स एप्लीकेबल हैं, तो यूटी चंडीगढ़ एक सेपरेट यूटी बन गया। हालांकि इसमें पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 वो फुली एप्लीकेबल है एज फार एज राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर कंसर्न, बट सिर्फ यूटी के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सर्विस कंडीशंस चेंज हुई हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। मतलब जिस तरीके से जो उन्हें गवर्न कर रहा था, अगर वो पंजाब के एम्प्लॉइज हैं तो वो एम्प्लॉइज वही रहेंगे, लेकिन उनको जो रूल्स उनके ऊपर इसमें इसमें मैं इसमें इसमें एक बात कहना चाहूंगा जी, जी, जी। कि वो पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज नहीं है, वो यूटी के ही एम्प्लॉइज हैं, यूटी के ही एम्प्लॉइज हैं, राइट। जैसे जैसे कि इसमें एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अपने रूल्स हैं, ऑलरेडी रूल्स हैं उनके, बिल्कुल। ऐसे ही जो यूटी के एम्प्लॉइज थे उनके लिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स एप्लीकेबल कर दिए, जो कि पहले पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स एप्लीकेबल थे। सिर्फ ये सर्विस कंडीशंस के रूल्स चेंज हुए हैं, इसमें कोई राइट्स एंड लाइबिलिटीज, बाकी जो स्टेक पंजाब का है, जो हरियाणा का है और जो सेंटर का है, उसमें तो उसका तो मुद्दा ही नहीं है, ये वो तो सेम है सब कुछ।
सारी चीजें सेम हैं, बस रूल्स जो हैं वो कुछ बदले हैं। रूल्स चेंज हुए हैं और वो भी सर्विस कंडीशन रूल चेंज हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सारे सवाल हैं सर जो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जरूर आपसे पूछेंगे, क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, कई और सवाल इसी मुद्दे को लेकर सर से हम करने वाले हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा द ट्रुथ में हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ को लेकर, द स्मार्ट सिटी को लेकर, ब्यूटीफुल सिटी को लेकर, लेकिन इसकी खींचातान को लेकर स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पंजाब जो है वो बयानबाजी कर रहा है, किस तरीके से अमित शाह आते हैं, ऐलान कर जाते हैं और उसके बाद बात होती है सेंट्रल जो यूटी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर, सेंटर के जो रूल्स एप्लीकेबल होने वाले हैं उनको लेकर बातचीत होती है, उनके फ़ायदे को लेकर बातचीत होती है। तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ एडवोकेट राजेंद्र जिंदल गोयल साहब हैं। गोयल साहब, सवाल ये है कि हम फ़ायदों की तो बात करते हैं, कोई भी अनाउंसमेंट होती है तो हम फ़ायदे गिनवाते हैं कि इससे ये फ़ायदे होंगे, तो गोयल साहब आपको क्या लगता है कि इसके क्या नुकसान भी हैं अगर सेंटर के रूल्स एम्प्लॉयज़ पर एप्लीकेबल होते हैं यूटी के? देखो, नुकसान एक चीज हो सकती है, फॉर द टाइम बीइंग हम ये कह सकते हैं कि एज लिमिट बढ़ गई, रिटायरमेंट एज जो है वो बढ़ गई जी। उससे क्या है कि जो गवर्नमेंट ने पेंशन इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट देनी थी वो 2 साल के लिए आगे बढ़ गई कि आफ्टर 2 ईयर्स वो पेंशन वगैरह देनी पड़ेगी, पर इम्प्लॉइज को सैलरी भी देनी पड़ेगी जी। अच्छा, इसका अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो उसका एक नुकसान ये भी हो सकता है कि नई रिक्रूटमेंट जो है वो भी अब देरी से होगी। बिल्कुल, क्योंकि जो इम्प्लॉयज रिटायर होते उनकी जगह कुछ यंग जनरेशन को, कुछ और लोगों को इम्प्लॉयमेंट मिलती, वो अब 2 साल के लिए जो पोस्ट खाली होनी थी वो 2 साल के लिए स्टैग्नेशन हो गई, वो आगे बढ़ गई। तो ये अगर कॉमन मैन की नजर से देखा जाए तो ये फायदे और नुकसान थोड़े से हो सकते हैं। तो क्या लगता है सर, ये विवाद कितना लंबा खींचेगा आपके हिसाब से, क्योंकि पॉलिटिकली तो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, पंजाब के नए सीएम भगवंत मान भी इसको लेकर वाद विवाद कर चुके हैं, बयान दे चुके हैं और लगातार जो है वो अलग अलग पार्टियों से चेहरे उभर कर सामने आ रहे हैं जो इस मुद्दे को लेकर जो है वो खींच रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये मुद्दा खींचने वाला है, वर्थ है इस पर, इस तरीके की जो बयानबाजियां हो रही हैं वो वर्थ है? देखो, इसके बारे में मैंने शुरू में भी आपको एक बात कही थी कि आज मैं जो चर्चा करने आया हूँ, मैं एज ए लीगल फील्ड से बिलोंग करता हूँ और एडवोकेट हूँ पिछले 30 साल से, तो मैं लीगल फील्ड पे चर्चा करना पसंद करता हूँ कि रूल्स क्या कहते हैं, रेगुलेशंस क्या कहते हैं, लॉ क्या कहता है इसके बारे में। बाकी रही बात डिस्प्यूट की, तो डिस्प्यूट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज का या जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके लिए है, वो कितना खींचेगा कितना नहीं खींचेगा उसके लिए मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल होगा। इस विवाद का समाधान क्या देखते हैं सर आप, ये जो खींचातान चला है इसका समाधान क्या देखते हैं एक एडवोकेट? देखो, हाँ, एज एन एडवोकेट देखो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर किसी पार्टी को ये लगता है कि ये जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स एप्लीकेबल हुए हैं यूटी एम्प्लॉयज के ऊपर, तो अगर वो इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करना चाहे तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी रिट डल सकती है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 जा सकते हैं। इसके अलावा तो और कोई डिस्प्यूट है ही नहीं इसमें, तो जो भी अगर कोई पार्टी, जो भी अगर कोई थर्ड पार्टी इस रूल्स के लिए एग्रीव्ड है, मैं तो यही कहूंगा इस उसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ बनी है कि अगर ये पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्रेम करने की या नहीं थी, उसकी वैलिडिटी इनवैलिडिटी ये तो टेस्ट होगी कोर्ट ऑफ लॉ में। यानी कि एक अगर हम छोटे से हिसाब की बात करें तो जो अमित शाह आए उन्होंने ऐलान कर दिया कि सेंटर के रूल्स एप्लीकेबल होंगे, एक यहां पर यह भी सवाल खड़ा होता है कि क्या इसकी जरूरत थी, क्या इस चीज की जरूरत थी कि जिस तरीके से काम चल रहा है वैसे चलने दिया जाए और तमाम चीजें एक ट्रैक पर चल रही हैं, या फिर इसको अच्छा करने के लिए ये एप्लीकेबल किया गया है, क्या लगता है आपको? देखो, इसके बारे में अभी मैंने पहले भी आपको एक ही बात कही थी कि ये डिपेंड करता है कि क्या यूटी के जो इम्प्लॉयज हैं
उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशंस गई हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि कोई ना कोई मुद्दा तो रहा होगा, किसी ने रिप्रेजेंटेशन दी होगी, कोई डिमांड होगी, तभी ये नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है। ये नहीं होता कि इमीडिएटली ऑल ऑफ ए सडन कि ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि इसके बारे में पहले थोड़ा सा रिसर्च तो होता ही है। उसके बारे में इंटरनली क्या है उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, अंदर खाते क्या चल रहा है उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन लीगली कितना कुछ है, बहुत सारी चीज़ें सर ने हमें बयां की हैं, बहुत सारे लीगल फैक्टर्स बताए हैं कि किस तरीके से ये हो सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो स्टेट्स हैं वही यूटी के लिए रूल्स बनाते हैं, लेकिन सेंटर भी उसके लिए रूल्स जो है वो एप्लीकेबल कर सकती है। कई दावपेच हैं, कई कानूनी दावपेच हैं जिनसे ये चीज़ें हो सकती हैं और हो रही हैं, उन्हीं का सहारा लेकर जो है वो रूल्स एप्लीकेबल किए गए हैं, नोटिफिकेशन जारी की गई हैं। सर थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी वैल्यूएबल जानकारी दी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। तो सवाल कई खड़े होते हैं, अगर हम देखें कि किसी भी चीज़ को लेकर विवाद बना देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए जो है वो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ों को जानना पड़ता है कि आखिर वो विवाद हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या सेंटर ने जो एप्लीकेबल चीज़ें की हैं, जो लॉज बनाए हैं, जो किया जा रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री जब आए तो उन्होंने जिस तरीके से कहा कि सेंटर के रूल्स अब एम्प्लॉयज़ पर, यूटी के एम्प्लॉयज़ पर एप्लीकेबल होंगे, तो उसके पीछे का क्या मकसद था? फ़ायदे तो बहुत नज़र आए, उन्होंने भी गिनवाए, लेकिन नुकसान भी कुछ हैं जो जिनको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। वहीं विवाद जो है वो भगवंत मान जो नए सीएम पंजाब के बने हैं उनकी तरफ से भी खड़ा किया गया कि भाई ये तो सीधे तौर पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 का उल्लंघन जो है वो केंद्र सरकार कर रही है, और इसको लेकर कई ऐसे नेता हैं जो पंजाब के निकलकर सामने आए, और ये विवाद जो है वो ठंडा पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन लगातार खिंच जरूर रहा है। अब देखना यही होगा कि आगे जाके क्या होता है, लेकिन इसके दावपेच क्या है, किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, किस तरीके से ये चीज़ें की गई हैं, वो बखूबी एडवोकेट राजेंद्र गोयल जी ने जो है वो बयां कर दी है, बखूबी तरीके से उन्होंने तमाम कानूनी दावपेच हमें समझा दिए हैं कि आखिर ये होता कैसे है। अब राजनीति किस तरीके से अपना जो है वो खेल खेलती है वो तो सबके सामने है, और आने वाले वक्त में चीज़ें और साफ भी होंगे कि ये विवाद जो है वो कहाँ पर जाकर शांत होता है। फिलहाल के लिए इस सफर को यहीं पर विराम देते हैं, चर्चा द ट्रुथ में फिलहाल इतना ही, एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मसले को लेकर, राय जानेंगे किसी एक्सपर्ट की, तब तक के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत, नमस्कार।